नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल की कोरियोग्राफर हैं। संस्था है उनकी कला निखार और बीते 20 सालों में उन्होंने बहुत से फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए हैं, फिर इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी बनी हैं और आज बॉलीवुड की इंडस्ट्री के भी बहुत से लोग उनको जानते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी अपने शो में ज़रूर शामिल करिए। मेरी मुराद है हमारे ही लुधियाना से गुनीता बिंद्रा जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो दर्शकों ने बहुत टाइम से हमारे वॉइस ऑफ एशियंस पे आपके बहुत से शोज देखे, आपको देखा और उनकी एक भरपूर डिमांड थी कि एक बार आपसे रूबरू उनको ज़रूर कराया जाए। तो आज सौभाग्य है हमारे लिए कि आप हमारे स्टूडियोज आई। तो पहले आपकी यात्रा शुरू करते हैं कि कहाँ बचपन बीता, कहाँ जन्म लिया, कहाँ स्टडीज़ की, कहाँ कॉलेज में आए और फिर कैसे आप कोरियोग्राफी के लाइन में पहुँच गए। जी, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय बर्थ फ्रॉम दिल्ली, माय स्टडी फ्रॉम दिल्ली। सो आफ्टर 10th आई एम इन लुधियाना। सो लुधियाना में ही मेरी 10th कंप्लीट हुई। सो उसके बाद मैंने कॉलेजिंग लुधियाना में ही की, लुधियाना के मॉडल टाउन वुमेन कॉलेज, गुजर खां वुमेन कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई। सो लुधियाना में ही मेरी मैरिज हुई। सो आई एम रियली लकी कि आज जिस कॉलेज से मैंने स्टडी की है उसी कॉलेज में एज अ परमानेंट कोरियोग्राफर आई एम अपॉइंटेड देयर। सो मैं अपने कॉलेज को यूथ फेस्ट के लिए रेडी करती हूँ। सो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर मैरिज लाइफ, आफ्टर मैरिज माय 4 to 5 years, मुझे लगा कि जो टैलेंट बिफोर मैंने लिया था वो मैं वेस्ट क्यों करूं। सो आफ्टर माय हबी स्पोर्ट मैंने अपने ही छोटे से घर में, श्रावण नगर में हमारा अपना घर है, सो उस घर में मैंने अपनी डांस कोरियोग्राफी की क्लासेस खोली। एक छोटे से रूम से मैंने क्लासेस ओपन की। सो देखते ही देखते विद इन अ 1 year मैंने अपने एक बहुत बड़ा हॉल खुद का बनाया और बहुत अच्छी क्लासेस रन की। सो नियर बाई 12 years तक मैं 12 to 14 years मैंने अपने घर में ही, श्रावण नगर अपनी कोठी में ही इस चीज़ को रन किया, परस्यू किया और उसके बाद मैंने ओपन मार्केट में अपनी अकेडमीज ओपन करनी शुरू की। सोचा देखते हैं कि क्या स्पॉन्सर मिलता है हमें लोगों का। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू लुधियानवीज कि आपने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि आज मैं लुधियाना में, मानसा में और जगराओं में अपनी अकेडमीज रन कर रही हूँ। सो एज ए कोरियोग्राफर, लुधियाना का कोई भी ऐसा बिग कॉलेज या बिग स्कूल नहीं है जहाँ पे हमने यूथ फेस्ट या सौहदय या उनके एनुअल फंक्शंस ना करवाए हों। सो सभी स्कूल एंड कॉलेजेस में लास्ट 20 years से मैं करवा रही हूँ और एज अ इवेंट ऑर्गेनाइज़र यू कैन से कि लास्ट 8 years से एज इवेंट ऑर्गेनाइज़र हम बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं। एज इवेंट ऑर्गेनाइज़रों ने पूरा प्रोडक्शन हाउस हम लोग देते हैं। क्या बात है, वाकई बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएँ, हम अपने ऑडियंस को कुछ आपके व्यूज़ दिखाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं, कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं और उसके बाद हम बातचीत को जारी रखेंगे। Thank you.
तो दोस्तों आज हमारे साथ वॉइस ऑफ एशियंस के साथ विशेष बातचीत कर रही हैं बहुत ही जानी मानी इंटरनेशनल लेवल की कोरियोग्राफर गुनीता बिंद्रा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो गुनीता जी, आपने जैसे बताया कि 20 सालों से आप कोरियोग्राफी कर रही हैं और बहुत से इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स आपके हाथों पॉलिश होके गए हैं आगे, जिन्होंने अपनी कला को निखारा है। और फिर उनमें आप बताइए कि लोग ज़्यादा क्लासिकल को ज़्यादा लाइक करते हैं या वेस्टर्न को या और ट्रेडिशनल को? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया मुझसे। जो एक ट्रेंड आता है कि लोग पहले क्लासिकल को ज़्यादा पसंद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे न्यू डांस फॉर्म्स आते जाते हैं, हिप हॉप आया, जैज फंक आया, कंटेम्प्रेरी डांस आया, मिक्स फ्री स्टाइल्स चले, तो जैसे जैसे टीवी शोज़ में डिफरेंट डिफरेंट शोज़ आते हैं उनमें लोगों को नॉलेज मिलनी शुरू हुई, तो लोगों ने हमसे डिमांड करना शुरू हुआ कि हमें इस तरह के डांसेस सिखाइए। सो मेरे पास एक पूरी एक्सपर्ट टीम है, लाइक मेरे पास एक हमारे जो टीचर हैं वो टोटली हिप हॉप इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स करवाते हैं, ऐसे ही मेरे पास जो फीमेल टीचर्स हैं वो टोटली इनको सेमी क्लासिकल लेवल सिखाते हैं। मेरे पास अपने पास एक पुलकित जैन सर है जो अपने आप में गोल्ड मेडलिस्ट कथक के हैं, तो वो सिर्फ कथक डांस सिखाते हैं। ऐसे ही मेरे पास स्टंट सिखाने के लिए टीचर, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के स्टंट सिखाते हैं। सो अलग अलग फैकल्टी टीम मैंने रखी हुई है, जो बच्चे जिस लेवल पर आते हैं हमें होता है वो पूरे के पूरे वेल ट्रेंड होकर अब टीवी चैनल्स पे जाएं। तो ये तो वाकई आपने जो जो बताया ना, एक बार तो इंसान सांस रोक के सुनने को मजबूर हो जाता है। कहाँ स्टंट्स, कहाँ कथक, कहाँ क्लासिकल, कहाँ हिप हॉप, कमाल है। और यह चीज़ तो दर्शकों में कहनी चाहूँगा कि अगर इतनी चीज़ें ये सिखा रही हैं तो इनके शो में तो बहुत ये क्रीम चीज़ें बना के वहाँ पे प्रस्तुत करवाती होंगी। इसका मतलब ये क्लियर है कि गुनीता जी कोई भी शो इन फ्यूचर करवाती हैं तो उस शो को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप कला से सच्ची प्यार करते हो। तो गुनीता जी, इन सब की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? सर ये कह लीजिए कि मैं खुद ही कला की पुजारी हूँ। आज भी मैं यही कहूँगी कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि सीखना या एजुकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे वह डांस की हो या हम स्टडी लेवल के लिए ले लें। तो मेरी इंस्पिरेशन बहुत बड़े हमारे कथक के जो गुरु हैं, लाइक मेरी वो इंस्पिरेशन थे। बट ये कह लीजिए कि मैं खुद भरतनाट्यम की स्टूडेंट थी, सो मैंने भरतनाट्यम में ही अपनी एजुकेशन ली। उसके बाद बहुत छोटी एज में मैरिज होने की वजह से मैं उस चीज़ को आगे बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाई। बट हाँ, कहते ना टैलेंट का कीड़ा जिसमें होता वो छोड़ नहीं पाते, तो बड़ी जल्दी वापस इसे मैंने अपने टैलेंट को अपने शौक के तौर पे और इसे परस्यू करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सो अब नए से नए इवेंट लेके हम लुधियाना में दोबारा से दोबारा हर कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आपके नए इवेंट्स के बारे में जाने, आमतौर पर होता है कि एक इंसान से पूछते हैं कि आपके शौक क्या है, वो कहता है जी सिंगिंग डांसिंग, लेकिन आपका तो ये प्रोफेशन है जी। तो फिर आपके शौक क्या हुए? मेरे शौक है सर आर्ट। मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छा करती हूँ, आई एम आल्सो एम ए इन एन आर्ट्स। सो मैं पेंटिंग करने का बहुत शौक रखती हूँ। अगर मुझे कहीं पे भी बाहर जाने का मौका मिलता था, आई नीड अ वन कैनवस विद अ ब्यूटीफुल कलर एंड ब्यूटीफुल सिचुएशन, आई एम गो फॉर दैट। सो मैं अपनी पेंटिंग्स करना आज भी बहुत शौक रखती हूँ। मैं गज़ल सुनने की बहुत ही शौकीन हूँ, जगजीत जी मेरे फेवरेट गज़ल गायक हैं। सो उनकी गज़ल सुनने का जब भी मौका मिले तो मेरी गाड़ी में वही चल रहे होते हैं। सो ये छोटे से शौक है जी मेरे। बहुत बढ़िया। और अब दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका आने वाला इवेंट कौन सा है, क्योंकि इतना सब कुछ सुनने के बाद हर इंसान में ये क्यूरियोसिटी होगी कि गुनीता जी का आने वाला फंक्शन कौन सा है, ताकि हम जाएं और इतना बढ़िया जो टैलेंट है मुंबई को छोड़ के जो लुधियाना में मिल सकता है तो उसको ज़रूर देखें, तो प्लीज़ बताइए जी। मैं बताना चाहूँगी लुधियाना वासियों को कि इस बारी दिस हम लोग एक टैलेंट हंट करते हैं हर बारी दिशा। सो इस बारी दिशा 4 है, बट दिशा 4 में हम लोग हर बच्चों का टैलेंट तो दिखाते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें न्यू इस बारी हमने परस्यू की हैं। एक पहले ये इस बारी सिर्फ लुधियानवीज के लिए नहीं है, ऑल ओवर पंजाब के लिए है। सो ऑल ओवर पंजाब से हमारे पास कैट्स आ रहे हैं, जिसमें हम मैं क्लियर करना चाहूँ टैलेंट जो किसी भी एज का बच्चा कोई भी टैलेंट दिखा सकता हमें। हम 0 to 2 ईयर कैटेगरी तक का हम इसमें बेबी एंड मम शो, बेबी शो कर रहे हैं। ऐसे ही 2 to 5 ईयर तक के किड्स का हम
फैशन शो, फैंसी ड्रेस, इनमें इनका राइम रेजिटेशंस, स्टोरी टेलिंग, ये सब हम करवा रहे हैं। जो 5 to 8 ईयर तक के किड्स हैं, इसमें ये फैशन शो भी करेंगे, डांस को भी परस्यू करेंगे, एक्टिंग को भी कर सकते हैं। एंड 8 to above 14 ईयर तक के किड्स के लिए हमने सिंगिंग, डांस, एक्टिंग, फैशन शो, ये कैटेगरीज रखी हैं। सो मैं सर के थ्रू अपील करूँगी, इस खूबसूरत चैनल के थ्रू अपील करना चाहूँगी कि ऑल ओवर पंजाब में जितने लोग भी हमें देखें, हमारा ये इवेंट 22 दिसंबर को R2P ग्रैंड वॉक मॉल में है जी। तो वो मॉर्निंग 11 o'clock शुरू होना है। और इसके अलावा जो भी आप हमें इन फर्दर जो भी इंक्वायरीज आप चाहते हैं, सो वो आप हमसे ले सकते हैं। हर जगह पे हमारे सभी चैनल्स पे, स्पेशली सर के चैनल पे, ये मेरा पहला इंटरव्यू, आई होप सो सब हमें देखें, हमें हमारे साथ जुड़ें। सो तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे वो आप तक पहुँच पाएंगे? शो फर्स्टली आई रिपीट माई नंबर देयर, सो माई नंबर इज़ 9815157533। इसके अलावा मेरे 5 अपने पेजेस चलते हैं, जो कला निखार डांस अकेडमी, गुनीता बिंद्रा बिंदता एंड गुनीता कला निखार किड्स एंड की एन इवेंट्स हमारा चैनल चलता है। सो इन सब पे आपको फुल हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सकती है जी। वाकई बहुत अच्छा लगा आपके बारे जाना, आपकी कला के बारे में जाना, और जितना आप कला के लिए काम कर रहे हैं, वाकई उस काम को सलाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज में आज आए और आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो प्रिय दर्शकों, आप बताइएगा कि कैसी लगी आज की ये इंटरव्यू आपको, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको बहुत से इवेंट्स दिखाने वाले हैं, और ख़ास करके गुनीता जी के आने वाले टाइम में जितने भी शोज होंगे हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।